तपोवन त्रासदी को हुए 48 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में चलाया जा रहा है। यहाँ पर NDRF, SDRF, आर्मी, ITBP सारी टीमें पूरी तरह से तैनात है। कल सारी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला जिसमें काफ़ी ज़्यादा मलबा और निकाला गया। हमारे साथ अभी लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक सहाय मौजूद है जो यहाँ पर आर्मी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या अपडेट्स है अभी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बाकी चैनल्स को बता चुका हूँ जी। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ऑपरेशन प्रोग्रेस में है जी। ये जो आप पीछे इलाका देख रहे हैं, ये हमारा टनल नंबर 1 है जो अप्रॉक्सीमेटली 70% हम लोग कवर कर चुके हैं। चूँकि अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लाइफ अभी इसमें बची हो सकती हैं और हमारी सारी जो जॉइंट टीम है जिसमें आर्मी, NDRF, SDRF, ITBP सारे लोग शामिल हैं, उसकी जॉइंट ग्रुप हमारी बन चुकी है, वो लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये भी हम जिंदाबाद में निकाल पाएँ तो हमारा एम यही है। हावेवर अभी चूँकि 48 घंटे हो चुके हैं और अंदर काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और हमारा प्लांट मूवमेंट का जगह बहुत कम मिल रहा है, डिफ़िकल्टीज बहुत है जो आप समझ पा रहे होंगे, तो उसके अगर हमारी स्पीड काफ़ी कम हो रखी है। सर, एक्सकेवेटर्स लगाए गए थे, पहले बुलडोजर एक्सकेवेटर से स्लश निकाला जा रहा था जो जितना मलबा है, तो आगे आपका क्या प्लान रहेगा अगर स्लश का लेवल थोड़ा कम होता है, जो मलबे का लेवल कम होता है, क्या आदमी भेजेंगे, पर्सनल भेजेंगे? ओके, हम लोग हर स्थिति को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हमारे वो ग्राउंड फोर्स हो, चाहे वो इंजीनियर फोर्स हो, चाहे मेडिकल फोर्स हो, वी आर रेडी विद एवरीथिंग। आपने भी कवर भी किया होगा, आर्मी ने अपना मेडिकल एयर फोर्स कवर कर रखा है, एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर्स लगा रखे हैं, अभी ALH भी देखा था आपने। हम लोग हर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, काउंटर करने के लिए, सारी कंटिजेंसी को कवर करने के लिए हम लोग रेडी हैं। अभी हमारा प्राइमरी जो एम है कि स्लश को बाहर निकाल पाएँ, अंदर वर्किंग स्पेस क्रिएट कर पाएँ, जो 180 मीटर के बाद जो टर्न है वहाँ पर हम लोग 30 से 35 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर फंसे होने की, हम वहाँ जल्दी जल्दी पहुँचना चाहते हैं। जस्ट वन लास्ट थिंग सर, हैज एनी किसी तरह का कम्युनिकेशन हो पाया उन लोगों से? और जो दूसरी बात ये थी कि जो ब्रिजेस डैमेज भी हुए हैं यहाँ पर, उनमें से एक बहुत क्रूशियल ब्रिज है जो चाइना की बॉर्डर तक भी जाता है, आगे कनेक्ट करता है, और जो लोग डिस्कनेक्ट हो गए जो गांव, उसके बारे में बस इन दो तीन चीज़ों के बारे में। आर्मी एंड लोकल फोर्सेज आर इन एक्शन टू कनेक्ट दम अगेन इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, विल बी कनेक्टेड वेरी सून। हाउएवर, जस्ट वांट टू अश्योर यू थ्रू योर चैनल टू द नेशन दैट वर्क इन प्रोग्रेस एंड आई रिक्वेस्ट एंटायर पीपल टू कोऑपरेट विद आर्मी एंड अदर फोर्सेज टू हुर वर्किंग डे नाइट हियर। थैंक यू वेरी मच। तो कोई कम्युनिकेशन अभी तक नहीं? नो, द पीपल हु आर वर्किंग देयर वाज संडे, देयर आर पीपल हु आर ऑन इमरजेंसी ड्यूटीज, सो दे आर विदाउट एनी कम्युनिकेशन एंड वी आर जस्ट कीपिंग अ फिंगर क्रॉस दैट दे शुड नॉट लूज द होप, दे शुड होल्ड द फ्रंट, दे आर द मोस्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी आर प्रायोरिटाइजिंग देम। थैंक यू सो मच सर। अभी हमने लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक सहाय से बात करी और इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो NDRF की ये टीमें हैं, यहाँ पर आर्मी के कई सारी रेजिमेंट्स लगाई गई है, कई सारे रेजिमेंटल फोर्सेज है, यहाँ पर ग्रेनेडियर्स है, इंजीनियर्स यहाँ पर है, और पूरे इस इलाके में आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्विपमेंट लाकर स्लश निकालने का प्रायोरिटी के बेसिस पर काम किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं वही वो डैम है जिसपे सबसे ज़्यादा जिसपे नुकसान हुआ था, NTPC का प्रोजेक्ट जो यहाँ पे चल रहा था, उसे अगर आप 2-3 किलोमीटर आगे जाए तो ऋषिगंगा का वो डैम है जो पूरी तरह से निस्तनाबूत हो चुका है। लोकल्स द्वारा बताया ये भी जा रहा है कि नदी का बहाव तकरीबन 12 मीटर ऊपर उठ चुका है और इसका कारण है कि इस पूरे इलाके में इतना मलबा भर चुका है कि नदी ऊपर उठ गई है, और ये आप पानी अगर देखें तो मटमैला जो पानी है ये इसी वजह से है कि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और काफ़ी ज़्यादा मलबा उस एवलांच के जो बताया जा रहा है ग्लेशियल बर्स्ट उसके बाद हुआ था। अभी इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तकरीबन 120 मीटर का मलबा निकाला जा चुका है टनल के चेहरे पर से, टनल के ओपनिंग में से, और अभी भी 60 मीटर का बाकी है, तो कुछ समय लगेगा। आर्मी के अफसर से हमने बात की, उन्होंने यही कहा है कि अगर एक आदमी को भी वो बचा पाते हैं तो उनको अपनी मेहनत सार्थक लगेगी, लेकिन उम्मीद यही करी जा रही है कि 37 जो आदमी बताए जा रहे हैं अंदर है उन सभी को बचाया जाए। लोग यहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो अपनी काफ़ी उम्मीदें लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ से आप बाहर देखें तो जो लोकल लोग वहाँ पर खड़े हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वही है जो अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं। ये टनल तकरीबन 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर लंबी है और अंदर ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने की कोई व्यवस्था है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है हवा, साफ हवा यानी ऑक्सीजन, उसकी कमी हो सकती है क्योंकि अंदर ब्लोअर लगाए जाते हैं, ब्लोअर से हवा बाहर के अंदर ली जाती है, लेकिन चूंकि मलबे की वजह से वो पूरा ढका हुआ है, पूरा बंद हो चुका है, तो ऑक्सीजन को लेकर भी एक चिंता है। इसीलिए आप तकरीबन 48 घंटे बाद क्रूशियल समय शुरू हो गया है, 48 से लेकर 72 घंटे बहुत क्रूशियल समय है, इसीलिए सारी की सारी टीम्स जो यहाँ पर है वो पूरी तरीके से अपनी हर संभव कोशिश कर रही है कि आप जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म किया जाए और लोगों को अंदर से बाहर निकाला जाए। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।